हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत हो। आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाला हूँ आप अपने फेसबुक पेज को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं गूगल से और गूगल के सर्च में कैसे लाए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको फुल प्रोसेस साथ बताने वाला। तो उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए, चैनल कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन कर दे प्रेस। यहाँ पे इसी तरह के रिलेटेड वीडियो मिलता है और मिलता रहेगा। तो बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आ गए फ़ोन के स्क्रीन पे। सबसे पहले आप जो भी पेज को आप गूगल से वेरीफाई करना चाहते हो, सबसे पहले आपका उसका लिंक आपको कॉपी करना है। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक ओपन करना। ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको थ्री डॉट पे जाना है। थ्री डॉट पे जाने के बाद आपको पेज वाला ऑप्शन पे जाना है। पेज वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपको मोर वाला ऑप्शन पे जाना है। मोर वाला ऑप्शन पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। उसके बाद आपको नीचे की स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको पेज कॉपी पेज लिंक पर आपको टाइप कर देना है। यहाँ से आपका URL कॉपी हो चुका है। उसके बाद आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। आपको सर्च वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको गूगल कंसोल आपको टाइप करना है। गूगल सर्च कंसोल आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद गूगल सर्च कंसोल वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा, इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस ऑन गूगल सर्च। उसके बाद आपको स्टार्ट नाउ पर टाइप करना है। स्टार्ट नाउ पर टाइप करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के पेज ओपन होगा। URL आपको पर टाइप करना है। URL पर टाइप करने के बाद जो भी आप URL वहाँ पे कॉपी किए यहाँ पे आपको पेस्ट करना है। तो आपको इस पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद उसके बाद आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन पर टाइप करना है। टाइप करने के बाद चेकिंग वेरीफिकेशन, आपका URL वेरीफाइड हो रहा है। उसके बाद वेरीफाइड ओनरशिप, आपको इसी तरह अपना फेसबुक पेज को गूगल से वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको डन वाला ऑप्शन पर टाइप कर देना है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।